आपको बता देंगे बॉलीवुड में इस साल बहुत सारी शादियां हुई है, यानी कि हर एक एक्टर लगभग सिंगल से मिंगल हुए हैं, जिनमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन जो माँ बनने वाली है, मतलब 2 से 3 भी हो चुकी हैं। तो ऐसे ही कुछ खबर आई है जो कि इस एक्टर को लेकर है। इस एक्टर से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने नकार दिया। साल 2020 में कई ऐसे बॉलीवुड सितारे जिन्होंने शादी करके अपना सिंगल स्टेटस खत्म किया है, वहीं कई सेलेब कपल्स ने अपने जीवन में नन्ही खुशियां अपनी दस्तक दी है। हालांकि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैमिली प्लानिंग की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बता दें कि एक इंटरव्यू में दीपिका ने जब फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो और रणवीर अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और अभी हम दोनों बच्चे के लिए मेंटली रूप से तैयार नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि बच्चे की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा फैसला है। उनका मानना है कि बच्चे के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार बहुत जरूरी है और अगर दोनों पार्टनर जिम्मेदारी को उठाने के लिए खुद को मेंटली फिट महसूस करते हैं तो वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। दीपिका ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 2007 में आई ओम शांति ओम से शाहरुख खान के साथ किया था। उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही थी जिसमें उनकी एक्टिंग के लिए काफ़ी तारीफ भी हुई थी। ओम के बाद दीपिका ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। फिलहाल चर्चा है कि दीपिका शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान में नज़र आने वाली है, साथ ही सुकून दत्ता की फिल्म में भी दीपिका नज़र आने वाली। दीपिका के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे नज़र आएंगे। शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो कि बहुत ही क्यूटी पाई लग रही हैं। बात अगर रणवीर सिंह की करें तो वो फिल्म भारत की पहली क्रिकेट विश्व कप जीत पर बनी फिल्म 83 में बॉल कपिल देव की भूमिका में दिखेंगे। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी स्पेशल अपीयरेंस में है। फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड सिलेबस में अनुष्का शर्मा और करीना कपूर खान प्रेग्नेंट हैं। दोनों अगले साल नन्हे मेहमान को वेलकम करने वाले हैं तो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा